हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। 3.5 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्या वैल्यू होगी, विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और क्या बोल रखा है कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी अगर इन दोनों इक्वेशंस पे कंडीशन क्या दी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इट मींस हमारे पास कंडीशन क्या थी, इफ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो इट मींस हम क्या बोल देंगे कि ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू तीनों इक्वल है। तो हमारे पास ए वन की वैल्यू क्या है, 2, और ए टू की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बी वन की वैल्यू क्या है, 3, और बी टू की वैल्यू ए प्लस बी, इसी तरह सी वन की वैल्यू 7 और सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 ए प्लस बी माइनस 2। अब हमारे पास इसमें देखते हैं ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, ये तीनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, तीनों को इक्वल लेके चलना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम तीनों को इक्वल लेके चलेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू, ए वन की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी 2 बाई ए माइनस बी, 3 बाई 3 ए प्लस बी माइनस 2। फर्स्ट और थर्ड को हमने इक्वल रख लिया, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख के हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 ए, 2 1 जा 2 बी और 2 2 जा 4 माइनस 4। अब इधर 3 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ए सॉरी 7 7 ए माइनस 7 बी, हमारे पास क्या है ये 7, 6 ए प्लस 2 बी माइनस 4 इज इक्वल टू 7 ए माइनस 7 बी। अब इन डिजिट्स को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, 7 ए माइनस 7 बी, 6 ए को इधर लेके आएंगे माइनस 6 ए, 2 बी को इधर लेके आएंगे माइनस 2 बी, और माइनस 4 को अपोजिट साइड रखेंगे हम, 6 7 ए माइनस 6 ए क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस 7 बी माइनस 2 बी, आपके क्या पास क्या आ जाएगा, 9 बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस 4। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे, सेकंड टर्म हमारे पास क्या, फर्स्ट और थर्ड सेकंड को इक्वल रख लेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2 बाई ए माइनस बी, और सेकंड क्या है, 3 बाई ए प्लस बी, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ए प्लस 2 बी, और इधर करेंगे 3 ए माइनस 3 बी, सभी को एक साइड लेके जाएंगे, 3 ए इस 2 ए को इधर लेके आएंगे माइनस का 2 ए, 2 बी को भी इधर लेके आएंगे माइनस 2 बी इज इक्वल टू 0, 3 ए माइनस 2 ए ए एंड 3 बी माइनस 2 बी माइनस 5 बी, ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू 0। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है ए माइनस 9 बी इज इक्वल टू माइनस 4, और सेकंड इक्वेशन है ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास सेम साइन है, अब ये भी प्लस था ये भी प्लस था, सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस था माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ प्लस था ये माइनस आएगा, अब ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 बी माइनस सॉरी प्लस 5 बी, अपोजिट साइन है, 9 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 बी, किसका आएगा आपके पास से माइनस, इज इक्वल टू क्या है माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, अब बी इज इक्वल टू इधर 4 है, 4 मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास क्या आई 1। पुट दिस वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ए माइनस 5 बी की वैल्यू क्या रख देंगे 1 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को अपोजिट साइड लेके आएंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास से 5। नेक्स्ट टाइम सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ के,
के की ऐसी क्या वैल्यू होगी, विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब आपको क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के हमारे पास क्या कंडीशन थी, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ए वन हमारे पास क्या है, थ्री, बी वन हमारे पास, ए टू हमारे पास क्या है, टू के माइनस वन। बी वन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, वन, एंड बी टू हमारे पास क्या आएगा, के माइनस वन। इसी तरह से सी वन आपके पास क्या आ जाएगा, वन, एंड सी टू आपके पास क्या है, टू के प्लस से वन। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट तो को इक्वल रख देंगे, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, दोनों को इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास a1 वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अब a1 वन बाई ए टू थ्री बाई टू के माइनस वन इज इक्वल टू, सेकेंड रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री के माइनस थ्री वन की और इसके मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आएगा टू के माइनस वन। टू के को इधर लेके आएंगे, थ्री के माइनस टू के इधर क्या रहेगा, माइनस वन, इधर माइनस थ्री है, इधर लेके आएंगे प्लस से थ्री हो जाएगा, थ्री के में से टू के जाएगा क्या आया, के, और प्लस थ्री में से माइनस वन कर देंगे क्या आ जाएगा आपके पास, के की वैल्यू टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री आपको दिया हुआ है, किसी भी मेथड से सोल्व करेंगे हम इसको। थ्री में आपको किसी भी मेथड से, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। इक्वेशन दी हुई है, एट एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन दी है, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमने इक्वेशन सेकेंड से सब पहले हम किससे कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, थ्री एक्स एज इट इज, टू वाई को इधर लेके आएंगे क्या आएगा, फोर माइनस टू वाई। अब x को एज इट इज रखेंगे, थ्री को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू वाई बाई थ्री। ये हमारे पास आई x की वैल्यू। अब हमने किस इक्वेशन से निकाल ली, इक्वेशन सेकंड से, तो हम किस में पुट करेंगे वैल्यू, फर्स्ट में। अगर हम फर्स्ट से निकाल लेंगे तो हम सेकंड में पुट करेंगे, और अगर हमने वैल्यू सेकंड से निकाल ली है तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे, एट एज इट इज, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, फोर माइनस टू वाई बाई थ्री प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने क्या लिया, एलसीएम ले लेंगे, बाई में वन है, फाइव थ्री जा क्या आ जाएगा यहाँ, फिफ्टीन वाई हो जाएगा, और थ्री को इधर लेके आएंगे, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एट फोर जा थर्टी टू, एट टू जा सिक्सटीन वाई प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, माइनस सिक्सटीन वाई प्लस फिफ्टीन वाई क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, प्लस थर्टी टू को इधर लेके आएंगे, माइनस थर्टी टू, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, फाइव। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, फाइव, फोर माइनस टू, वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, फोर माइनस फाइव टू जा टेन डिवाइडेड बाई थ्री, फोर माइनस टेन आपके पास क्या आएगा, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू, एंड वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, फाइव। इसी तरह इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारे पास क्या था, एक्स वाई में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे एक्स वाई में हम लिखते थे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने पिछले इसमें पढ़ा था, ये आपके पास फॉर्मूला है एक्स बाई बी वन सी टू, एक्स बाई बी वन सी टू, अगर बी वन सी टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, माइनस ट्वेंटी। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी टू सी वन, ये सोल्व कर लेंगे हम, एक्स बाई माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस एटीन हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी प्लस एटीन क्या आएगा आपके पास, माइनस टू, वाई बाई माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस माइनस प्लस थर्टी टू में से ट्वेंटी सेवन जाएगा,
5 आ जाएगा एंड 1 बाय 16 माइनस 15 क्या आएगा 1। अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख लेंगे, x बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास माइनस 2 एंड y बाय 5 इज इक्वल टू 1। सेकेंड को और थर्ड को इक्वल रख लिया, y की वैल्यू क्या आ गई 5। दोनों मेथड से हमारे पास वैल्यू सेम आएगी, यहाँ भी क्या आई थी आपके पास y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू माइनस 2, यहाँ भी आपके पास सेम वैल्यू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट करेंगे पहले रीड, उसके बाद करते हैं।